स्वागत है किचन। आज हम बनाएंगे दाल वड़ा। इसके लिए मैंने चना दाल लिया है। चना दाल को मैंने 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। सबसे पहले हमें चना दाल को अच्छे से धोना है। इसका पानी हम निकाल देंगे। इसमें 1 गिलास पानी हम डालेंगे और अच्छे से हम धो देंगे। ये दाल को हम मिक्सी जार में डालेंगे। ग्रीन चिली लिए है वो हम डालेंगे। आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से हम डाल सकते हैं। ये हम अदरक और लहसुन ऐड करेंगे थोड़ा सा। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के दरदरा पीस लेंगे। ये हमारा पीस चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में। थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे बैटर में। थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करेंगे। फाइनली चॉप धनिया पत्ता ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ग्रीन गार्लिक ऐड करेंगे। आपके पास है तो डालिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली चॉप ऑनियन ऐड करेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। हाथ से अच्छे से फेंटना है ताकि खाने में अच्छे लगे। जैसे हम बाहर के खाते हैं सेम वैसे ही लगेंगे। 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही फेंटना है एक ही डायरेक्शन में। ये हमारा फेंट चुका है। अब इसके लिए हम तेल गरम करते हैं। इसमें हम ये दाल बड़े फ्राई करेंगे। आप चाहे तो चम्मच से ही बना सकते हैं। आपकी कड़े में जितना है उतना आप डाल सकते हैं। इसको हम दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है हमें। वाओ, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आप यहाँ पे होते हैं तो आपको पता चलता है कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। इसको हम निकाल लेते हैं, फिर वापस भी हम फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे। ये दाल वड़े को हम थोड़ा सा चपटा बना लेंगे ऐसे हाथ से। आप देख सकते हैं मैंने चपटा बना लिया है। बाकी के भी हम वैसे ही कर लेंगे। हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है। इसको हम वापस फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हमने 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। हम ये ग्रीन चिली को फ्राई कर लेंगे। इसको हमने बीच में कट लगा लिया है। ये हमारी ग्रीन चिली फ्राई हो चुकी है, उसको हम निकाल लेते हैं। इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई किया है, हमें जलाना नहीं है।
हम दाल वड़े के लिए चटनी बनाएंगे। ये हमने 1 चम्मच बेसन लिया है, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका अच्छे से हम घोल बनाएंगे। ये हमारा घोल रेडी है। ये हमने कढ़ाई ली है, उसमें हम तेल डालेंगे 1 चम्मच, हम सरसों के दाने डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा हींग डालेंगे, कड़ी लीफ डालेंगे, उसमें ग्रीन चिली डालेंगे, एक हमने ग्रीन चिली कट कर लिया था, थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। ये बैटर को हम छान के डालेंगे ताकि वो लम्स रहे तो ऊपर आ जाएंगे। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे चटनी के हिसाब से, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें ये आधा नींबू का जूस ऐड करेंगे, थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें 1 उबाल आने तक पकाना है। ये हमारा उबाल आ चुका है, सर्व करेंगे। चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। इसमें हम फाइनली चॉप धनिया पत्ता ऐड करेंगे। हम ये ग्रीन चिली फ्राई किया था वो भी हम इसके ऊपर रखेंगे। फाइनली चॉप ऑनियन रखेंगे ताकि किसी को ऑनियन खाना है तो वो खा सकेंगे। आपको ये मेरी दाल बड़े की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।